एंगेज की एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हायानो अपने घर पर जा रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने वही डीमन औरत आ जाती है जिसका की पीछा सू कर रहा था, और वो जंप करके आयानो के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी बीच में किसारा आ जाती है और उसके हमले को ब्लॉक करके आयानो को बचा लेती है। वही पर सू किसारा को कॉल पर कह रहा होता है, मेरे लिए वेट करो, मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। लेकिन उतने ही देर में वो डीमन वहाँ से भाग जाती है और किसारा आयानो को एक गन निकल कर देती है और बोलती है कि हमें उसे जल्दी से ही पकड़ना होगा। इसके बाद आयानो और किसारा उस डीमन के पीछा करते करते एक डिपार्टमेंट स्टोर के सामने आ जाती है, लेकिन वो डीमन वहाँ पर ना होने की वजह से उसको लगता है कि वो शायद वहाँ से भाग गई है। तभी शू किसारा को कॉल पर बोल देता है, वहाँ पर अगर एक भी मिरर हो तो उन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि वो डीमन मिरर के अंदर चली जाती है। तभी किसारा नोटिस करती है कि आयानो के पीछे से वो डीमन निकल कर आ रही होती है और फिर वो आयानो के हाथ को इंजर्ड भी कर देती है, लेकिन आयानो जैसे तैसे बचकर उस डीमन के ऊपर फायर करने लगती है, लेकिन वो डीमन वहाँ से भी भाग कर एक छोटे से मिरर के अंदर चली जाती है और किसारा भी उसी मिरर के अंदर जाकर उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो मिरर के अंदर ही अटक जाती है। अब अगले सीन में हम शू और वही डिटेक्टिव को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, और वो डिटेक्टिव बोल रहा होता है आयानो को सिक्योरिटी दिया गया है एंटी डीमन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इसके वजह से वो अभी एक शेल्टर में है। और वो डिटेक्टिव शू से ये भी बोलता है, मुझे तुमसे डीमन हैजर्ड के बारे में कुछ पूछना है, आखिरकार तुम्हें इस डीमन के बारे में इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल गई? जिसमें शू बहुत ही ज्यादा भाव खाकर बोलता है कि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के बारे में तुमको नहीं बोल सकता। देन अगले सीन में हम आयानो के मॉम को देख पाते हैं जो कि एक शेल्टर में जा रही होती है, और उसी शेल्टर के अंदर आयानो होती है और आयानो की मॉम अंदर जाकर आयानो को एक बैग देती है और उस बैग के अंदर आयानो की सभी जरूरत की सामान होती है जैसे कि खाना, क्लॉथ्स और वगैरह वगैरह। तभी आयानो अपने मॉम से पूछती है कि आखिरकार आप मेरे आंखों में क्यों नहीं देख रहे? तभी आयानो की मॉम बोलती है कि मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हारे आंखों में ना देखूं, नहीं तो वो डीमन यहाँ पर आ सकता है। तभी आयानो बोलती है कि इन्फिनाइट मिरर से निकलना एक कोई ओल्ड फैशन नहीं होगा डीमंस के लिए भी। आयानो की मॉम तभी बोलने लगती है, तुम्हें कुछ दिन तक क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा क्योंकि वो डीमन किसी भी वक्त तुम्हारे लिए आ सकता है। वही वो दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव शू को बोल रहा होता है, इस सिटी में तभी से प्रॉब्लम शुरू हुई थी जब इस सिटी को ढूंढा गया था, और ये उन लोगों की वजह से हो रहा था जो कि सुपर ह्यूमंस में बदल गए थे और लोग उन्हें डीमन हैजर्ड बोलते थे। और वहाँ पर एक डिजास्टर प्रिवेंट कंसल्टेंट भी था जिसका नाम इसामु ओगाता था, और उसी की सजेशन पर ये इंस्पेक्शन रखा गया था। तभी शू बोलने लगता है, मेरे डैड ने ये सब कुछ मुझे बताया था कि जिस रेट पर हम जा रहे थे तब तक एक साल भी नहीं हुआ था, तब तक ए सिटी डीमंस के लिए पैराडाइज बन चुकी थी। दूसरी तरफ आयानो की मदर भी आयानो को यही स्टोरी बोल रही थी कि उस दिन बहुत सारे अटेंडेंट के साथ शू की मदर, फादर और उसकी बहन भी थी, लेकिन एक ब्लास्ट की वजह से वो लोग भी उस ऑक्शन में डूब गए थे। ये सब सुनकर आयानो पूछने लगती है, लेकिन शू वहाँ पर क्यों था? वो तो सिर्फ 12 साल का था। आयानो की मदर बोलने लगती है, क्योंकि उस दिन इंस्पेक्शन का डे था और उस दिन बहुत ही कम पुलिस वाले गए थे, जिससे कि और पार्टिसिपेंट भी अपने साथ अपने फैमिलीज को लाए थे, और लोग बोल रहे थे कि ये एक फील्ड ट्रिप की तरह था। आयानो बोलने लगती है, तो उस दिन उस माइंड में सच में क्या हुआ था? जिसमें आयानो की मम बोलने लगती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, उस दिन सिर्फ एक ही आदमी बचा था और वो भी इसी को पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और आयानो की मम ये भी बोलती है कि हमें इस बारे में कुछ भी पता लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस इंस्पेक्शन के दिन हम गए ही नहीं थे, और इसके वजह से गवर्नमेंट ने सारा इल्जाम शू के डैड के ऊपर थोप दिया था क्योंकि उन्हीं की सजेशन पर वो इंस्पेक्शन रखा गया था, और उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम भी लगाया कि वो डीमंस के साथ पार्टनर थे और उन्होंने इस सिटी को डीमंस के साथ कनेक्ट करने की भी कोशिश की। इसके बाद वो डिटेक्टिव शू को ये भी बोलने लगता है, तुम एक अनजान शख्स से ये सब इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और जानने की कोशिश कर रहे हो कि 12 साल पहले क्या हुआ था, क्या पता कि वही इंसान ने तुम्हारे फादर के ऊपर वही इल्जाम लगाया था। लेकिन अगर तुम मेरे साथ काम करो शू, तो हम उस आदमी को ढूंढ सकते हैं जो कि तुम्हें यूज कर रहा है। इसके बाद वो डिटेक्टिव शू से सारा इन्फॉर्मेशन लेने लगता है और उससे बोलता है, तुम्हें ऐसे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिसका कि तुमने फेस भी ना देखा हो, तुम मेरे साथ कोलैबोरेट कर लो तो हम जान सकते हैं कि 12 साल पहले आखिरकार क्या हुआ था। अब अगले सीन में वही डिटेक्टिव माइल्स के साथ होता है और माइल्स बोलता है, तो तुमने आखिरकार उससे इन्फॉर्मेशन ले ही ली? इस पर वो डिटेक्टिव माइल्स को एक फोटो दिखाता है और बोलता है, आयानो और शू को इसी आदमी के ऊपर शक है और इसके फोटो के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता, इसलिए हमें इस फोटो की मदद से इस आदमी को पकड़ना चाहिए। अब अगले ही पल वो दोनों उस पर्सन के बिल्डिंग के नीचे भी आ जाते हैं और फिर वो लोग उस कमरे के ऊपर भी आ जाते हैं। वहीं पर माइल्स अपने सामने देख रहा होता है और बोल रहा होता है, इसके सामने तो शू का भी अपार्टमेंट है और अगर हमने इन सब के बारे में शू को बता दिया तो हम उस पर्सन को कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे। फिर वो डिटेक्टिव उस पर्सन के कमरे को नॉक करता है लेकिन कोई भी अंदर से जवाब नहीं आता।
जिसके बाद वो सीधा कमरे के अंदर चले जाते हैं और अंदर आने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस पर्सन को किसी ने मारकर वहां से चला गया था। ये देखकर वो डिटेक्टिव उस पर्सन के पास जाता है और बोलता है, इसको तो थोड़ी देर पहले ही किसी ने मारा है, शायद किसी को पता लग गया था कि हम दोनों यहाँ पर आने वाले हैं। फिर माइल्स उस डिटेक्टिव को बोलता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ लिखा है। जिसके बाद डिटेक्टिव जब वहाँ पर दिखता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि वन मोर पर्सन। वहीं पर अगले सीन में हम आयना को देख पाते हैं जो कि सोफे में बैठकर जूस पी रही होती है और तभी उसको कोई आने की आवाज आती है और उसको लगता है शायद उसकी मॉम फिर से आ गई है, जिस वजह से वो बोलती है कि मॉम आप फिर से आ गई। लेकिन वहाँ पर तो शू होता है और शू को देखकर आयना बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है कि शू आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसमें शू बोलता है कि मैं इस नीलामी में भी जीत गया, इसलिए मैं तुमको बताने आया था। आयना बोलती है कि ठीक है, मुझे पता चल गया, अब तुम जा सकते हो। जिसमें शू बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको पकड़ना चाहता हूँ और मैंने अगर उस डीमन को पकड़ लिया तो तुम भी इस जगह से बाहर आ पाओगी। इसके बाद आयनो शू को ये बोल रही होती है, और डिटेक्टिव तुम्हारी मदद कर रहा है ताकि तुम 12 साल पहले क्या हुआ था वो जान पाओ, है ना। लेकिन क्या होगा अगर और यूमर सच हुआ कि तुम्हारे डैड डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तो तुम क्या करोगे। शू बोलने लगता है तो मुझे सभी से माफी मांगना पड़ेगा। और शू ये भी बोलता है, मेरे डैड ने तुम्हारे मॉम को बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग भी दिया था और इसके वजह से तुम्हारे मॉम ने भी जब मेरे डैड चले गए थे तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग दिया और इसी तरह उन्होंने मुझे पे बैक कर दिया। जो सुनकर आयना बोलने लगती है तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है और इसके बाद हमारी जरूरत तुमको और नहीं पड़ी, जिसके वजह से तुमने हम दोनों को छोड़ दिया। शू बोलने लगता है, तुम बिल्कुल ही गलत बोल रही हो, तुम्हारे मॉम को पता चल गया था कि मैं तुमको डेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारी कंपनी से बाहर निकल दिया था। ये सुनकर आयना बोलती है, तुम निकल गए थे तो फिर क्या ही बा होता, हम दोनों मिलकर फिर से एक नई कंपनी शुरू करते। और वो लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं कि तभी रात भी हो जाती है और फिर वो दोनों सोफे में बैठकर ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और तभी शू आयना को बोलता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी बहन काना अभी भी जिंदा है। ये सुनकर तो आयना बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और फिर वो दोनों बात करते करते बहुत ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और इसके वजह से आयना को कुछ अजीब सा ही होने लगता है, जिसके बाद वो शू के आंखों को अपने हाथों से बंद कर देती है और फिर उसको किस कर लेती है। जिसमें शू बोलता है, आखिरकार तुम मेरे आंखों को क्यों बंद कर रहे हो। आयनो बोलती है, अगर मैं तुम्हारे आंखों को नहीं बंद करती हूँ तो वो डीमन यहाँ पर आ सकता है। और आयनो शू को ये भी बोलती है, ये लास्ट टाइम है। और इसके बाद वो शू को बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ किस करने लग जाती है और फिर क्या क्या होता है वो तो आपको पता ही है, जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब समझदार हो अब तो समझ गए ही होंगे। और कुछ घंटे बाद छत से एक पानी का बूंद नीचे गिरता है और उसी पानी की बूंद से वो जो डीमन औरत था वो बाहर आ जाती है और वो सीधा उस सोफे पर वार करती है, जिससे कि सोफे का दो टुकड़ा हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पर शू और आयनो को नहीं देख पाती, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। लेकिन तभी उसके पीछे किसरा भी उस डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो डीमन किसरा के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच करके वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद किसरा नोटिस करती है कि आयनो उसको बुला रही है, तो फिर किसरा आयनो के पास जाती है और आयनो बोलती है कि मेरी गन मुझे दो। लेकिन इस पर किसरा कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने सिर के साथ आयनो के सिर का एक जोरदार टक्कर कर देती है और उससे बोलती है, मैं तुम्हारी गन नहीं लाई क्योंकि उससे तुम्हारी रीमैच रिप्लेक्ट हो जाएगी और वो डीमन यहाँ पर आ जाएगा। जिसमें आयनो बोलने लगती है, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। किसरा बोलती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, शू और मैं इस डीमन को संभाल लेंगे। आयनो बोलती है, लेकिन शू के गन से भी तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। जिस पर किसरा बोलती है, तुम्हें इन सब चीजों को लेकर टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ यही पर ही छुपी रहो। फिर किसरा वहां से जाने वाली होती है कि तभी आयनो उसको रोक कर बोलती है कि मुझे सिर्फ इस बार तुम्हारी मदद करने दो। दूसरी तरफ शू भी छुप कर उस डीमन को ही देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे किसरा आ जाती है। शू बोलता है कि मेरे पीठ पर कुछ चुभ रहा है। किसरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोलती है, इस बार मैं अपनी पूरी पावर को यूज करने वाली हूँ। शू बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने स्वॉर्ड को थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। लेकिन तभी किसरा शू को किस कर देती है और एक किस भी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी भरा होता है। और तभी जो किसरा है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है और फिर वो उस डीमन औरत के साथ फाइट करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम शू को देख पाते हैं जो कि नीचे पड़ा होता है और तभी उसके पास आयनो भी आ जाती है और उसको बोलती है, तुम ठीक तो हो ना। और फिर शू अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में कुछ होता है। दूसरी तरफ किसरा उस डीमन के साथ फाइट करी जा रही होती है, वो डीमन भी किसरा के ऊपर भारी पड़ रही थी। दूसरी तरफ शू बोलता है, इसका मतलब किसरा मेरी मदद करने आई थी, मतलब कि इसके पहले जो जो हुआ था सब कुछ शू भूल गया है क्योंकि किसरा ने शू के सारी मेमोरीज खींच ली है। और फिर शू वहां से जाने लगता है किसरा की मदद करने के लिए, लेकिन तभी पीछे से आयनो बोलती है, थोड़ी देर पहले हम दोनों के बीच में क्या बात हुआ था, क्या तुम्हें वो याद है।
शू बोलता है, क्या बात, कौन सी बात की तुम बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। दूसरी तरफ किसरा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो डीमन औरत किसरा के ऊपर अटैक करने वाली ही होती है। लेकिन बीच में शू आकर उस डीमन को एक जोरदार पंच करता है और उस डीमन को दूर धकेल देता है और वो किसरा को बोलता है अब हम इसको खत्म करने वाले है। इसके बाद शू के हाथ में एक चीज था जो की वो अपने पूरे पावर से उस डीमन की तरफ फेंकता है और वो चीज सीधा उस डीमन के छाती पर घुस जाता है और इसके पीछे पीछे किसरा भी अपने शॉट की मदद से उस चीज को उस डीमन के छाती में और भी ज्यादा जोर से घुसाने लगती है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत ही जोर से धमाका होता है और वो डीमन वहीं पर ही मर जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो शू है वो तो पार्क में बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर वो डिटेक्टिव भी आ जाता है और वो शू के पास जाकर बैठ जाता है जिसके बाद वो दोनों बात करने लग जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम आयानो और किसरा को देख पाते हैं जहाँ पर किसरा बोल रही थी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम हम दोनों के बीच में फिर से आओगी। आयानो बोलती है मुझे पता है तुमने उस वक्त की उसकी सारी मेमोरीज ले ली है और आयानो किसरा को ये भी बोलती है तुम नहीं चाहते ना शू मेरी बारे में और कुछ याद ना करे। जो सुनकर किसरा आयानो की तरफ एक एप्पल फेंक कर मारती है लेकिन आयानो उस एप्पल को कैच कर लेती है और बोलती है इसका मतलब शू को और कुछ भी याद नहीं है ना, और बोलती है मतलब कि अब मैं तुम्हारे बीच में इंटरफेयर कर सकती हूँ और तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे सभी चीजों में बेटर हूँ। ये सुनने के बाद तो किसरा आयानो को एक जीप दिखाती है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।